हेलो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे से पेन स्टॉक के बारे में, जिसका करेंट प्राइस आप यहां पर आप देख सकते हैं 69 रुपये का पेन स्टॉक है। और करेंटली दोस्तों स्टॉक के अंदर गिरावट हो रहा है, और अभी के टाइम पे दोस्तों चार्ट पैटर्न को अगर कंसिडर करिएगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोविड के टाइम पे स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट हुआ था, और अभी देख सकते हैं नीचे के लेवल से स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न भी निकाल कर दिया हुआ है। तो नीचे के लेवल से दोस्तों स्टॉक ने करीबन 500% से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न निकाल कर दिया हुआ है। और यहाँ पर उससे पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्विंग देखने को मिला था। और ये कंपनी दोस्तों केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, फुली डेट फ्री है, और उसी के साथ कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन अभी बहुत ही छोटे से मार्केट वैल्यूएशन पे देखने को मिलेगा, जो कि आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने का। तो स्टॉक के अंदर दोस्तों अभी गिरावट हो रहा है, क्रैश के सिनेरियो में स्टॉक लगातार 5% के अपडेट के साथ नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे आने वाले दिनों में स्टॉक का जो प्राइस रेंज है अगर इसी लेवल के आसपास मिल जाता है तो इसके अंदर दोस्तों एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस भी दोस्तों अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल भी अच्छा है, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। कंपनी बहुत ही सारे सेक्टर के अंदर अपने प्रोडक्टिविटी फैला रखा है, और कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है। तो इसके ऊपर दोस्तों आप चाहे तो जरूर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं कहना चाहूँगा, यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पजेज के लिए होने वाला है, तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी एक्टिविटी करने से पहले आप भी अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में सब कुछ बारीकी से देखेंगे, स्टॉक का नाम भी देखेंगे और कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल भी समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, और उसी के साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। और उसी के साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले कंपनी का बिजनेस को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी जो केमिकल प्रोडक्शन कर रहा है वो फार्मर और हेल्थ केयर के लिए यूजेस होता है, और कंपनी पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करता है, और हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन के लिए भी कंपनी काम कर रहा है, और उसी के साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और एक्सपोर्ट के बिजनेस में जुड़ा हुआ है। तो बिजनेस दोस्तों कंपनी का बहुत ही शानदार है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का बिजनेस आप देख सकते हैं पावर सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है, इनके ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं, कुछ सोप वगैरह कंपनी बनाती है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा विंड मिल, यहाँ पर कंपनी पावर सेक्टर के अंदर भी जुड़ा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन के सेक्टर में भी जुड़ा हुआ है, और कुछ सोप वगैरह यहाँ पर कंपनी कुछ केमिकल वगैरह भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सोप वगैरह यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी क्लोरो अल्काइली प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि एक केमिकल का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसी के साथ क्लोरोमेथिन और उसी के साथ कैस्टर डेरिवेटिव एंड फैटी एसिड का कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो इनका जो प्रोडक्ट है हेल्थ केयर के अंदर भी यूजेस होता है, और उसी के साथ एक्वाकल्चर, रियल इस्टेट, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल एंड हॉस्पिटैलिटी। तो कंपनी का बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और ये कंपनी का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं TGB स्क्रैक लिमिटेड, जो कि फ्लैगशिप कंपनी है किसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैगशिप कंपनी ऑफ TGP ग्रुप का एक कंपनी फ्लैगशिप कंपनी है। और मार्केट वैल्यूएशन की अगर बात की जाए दोस्तों बहुत ही छोटा सा मार्केट वैल्यूएशन है, सिर्फ 739 करोड़ का मार्केट वैल्यूएशन है, और करंटली दोस्तों 52 के अंदर भी इसमें बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिल चुका था। 49 रुपये का शेयर दोस्तों इसमें 110 की प्राइस रेंज तक आ चुका था। तो अभी के लिए दोस्तों स्टॉक के अंदर जो गिरावट हुआ है 69 की प्राइस रेंज तक आ चुका है, और अभी के लिए स्टॉक का पी देखिएगा यहाँ पर 5.49 पे है, लेकिन इंडस्ट्री का पी यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 पे है, यानी कि स्टॉक का प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड में आ चुका है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देखिएगा ROCE बहुत ही शानदार है, और डेट मनी यहाँ पर आप देख सकते हैं 428 का है, लेकिन दोस्तों रिजर्व मनी यहाँ पर आप देख सकते हैं 636 का है, जो कि रिजर्व मनी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू आप देख सकते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू 199 यानी लगभग दोस्तों 200 का यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि स्टॉक का जो रियल प्राइस होना चाहिए था तो 200 पे होना चाहिए था, दोस्तों स्टॉक को अभी बहुत ही ज़्यादा नीचे मिल रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के पास यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास जा सकता है, और बुक वैल्यू भी देख सकते हैं 69, तो करंटली जो प्राइस है यहाँ पर बुक वैल्यू के आसपास आ चुका है, और प्लेस परसेंटेज बहुत ही छोटा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का चार्ट पैटर्न ऑल टाइम पर आप देख सकते हैं लगातार कंसिस्टेंसली दोस्तों इसमें रैली बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा स्टॉक के अंदर हायर ट्रेंड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर जब ताजी होता है
थोड़ा बहुत इसमें नीचे गिरावट होता है, जो कि एक लो बनाता है जो कि पिछले वाले लो से यहाँ पर देख सकते हैं हाई देखने को मिलेगा, यानी कि हायर लो यहाँ पर ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया था, अभी के टाइम पे स्टॉक ने नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों स्टॉक यहाँ पर लॉन्ग टर्म में दोस्तों 40 या 50 की प्राइस रेंज तक आ सकता है। तो इसी क्रैश के अंदर दोस्तों अगर स्टॉक इतना ही रेंज पे मिल जाता है तो इसके ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिविटी भी है और उसके साथ कुछ नेगेटिविटी भी है, तो इसको आप कंसीडर करिएगा। और उसी के साथ यहाँ पर आप देखिएगा फाइनेंशियल स्टेटस, तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंपनी का सेल्स मेंटेन देखने को मिलेगा। बहुत ही छोटा सा यहाँ पर कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन है, लगभग दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन के आसपास यहाँ पर कंपनी का सेल्स देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंसली दोस्तों इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का ओपीएम यहाँ पर बहुत ही शानदार इसी क्वार्टर के अंदर देखने को मिला है, 25% नॉट बैड दोस्तों, बहुत ही शानदार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी बहुत ही शानदार अभी देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा है। ईपीएस लगातार कंसिस्टेंसली ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी देख सकते हैं लगातार कंपनी का सेल्स ग्रोथ करता हुआ देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी खासी परसेंटेज के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपीएम बहुत ही शानदार है, 21% इसी साल के अंदर, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, 134 करोड़ कंसिस्टेंसली ग्रोथ करता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सारे के सारे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा पिछले एक साल से लेकर 10 साल तक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न के साथ देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार है, कुछ ख़राब नहीं है। प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है 63%, बहुत ही अच्छा होल्डिंग है। और पब्लिक के पास 36%, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकल कर दे सकता है। तो इसी गिरावट के अंदर दोस्तों आप ये स्टॉक के अंदर क्रैश का फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि बहुत ही जल्द भी यानी कि मार्केट जब रिकवरी करेगा ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा रिकवरी करेगा। तो इसके ऊपर दोस्तों आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है और केमिकल सेक्टर से दोस्तों स्टॉक का प्राइस आगे आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा खासा रेंज तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।